हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी मीनाक्षी नेचर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कहिए कैसे हूँ आप सब। दोस्तों, हर बार मैं आपको मेरे फार्म हाउस के पौधे के बारे में ही बताती रहती हूँ, तो क्यों ना आज हम मेरे बरोड़ा वाले घर के पौधे के बारे में भी थोड़ा बता दूँ। ये मौसम में मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पौधे लगाए हुए हैं नए नए, तो मैं हर बार कोई नया ना नया पौधे के बारे में आपको बताती जाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत लोकप्रिय पौधे के बारे में, जिसे हम फिडल लीफ फिग के नाम से जानते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस लायराटा। ये पौधा आपके घर में स्टाइल फैक्टर ही नहीं लेकिन एक बेहतरीन पर्सनालिटी भी देता है। पिंट्रेस और इंस्टाग्राम पे ये पौधा, उसकी वजह से ये पौधा बहुत लोकप्रिय हो चुका है, और पहले ही नजर में ये पौधा आपका दिल जीत लेगा। सही सुना दोस्तों, ये पौधे का गहरा हरा रंग और इसके पत्ते के आकार इसको एक यूनिक बनाता है। अगर आपके घर में आप कोई कोना कोने को अगर आप स्टाइल करना चाहते हो, तो ये पौधा एक यूनिक लुक क्रिएट करेगा। आइए हम जानते हैं ऐसी कुछ दिलचस्प बातें ये पौधे के बारे में। तो दोस्तों, इसका नेटिव है वेस्टर्न अफ्रीका, कैमरून वेस्ट से सियरा लियोन, ये मोरसेई फैमिली को बिलोंग करता है। अगर जंगल में इस पौधे को लगाया जाए तो ये पौधे की हाइट होगी 60 फीट तक, एक ट्री के रूप में बढ़ता है। और इसकी खासियत है, ये अपने बाजू में भी अगर कोई ट्री लगा है तो वहां पे भी उसकी शाखाएं फैला देता है ये। तो ये पौधे का नाम फिडल लीफ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, क्योंकि इसके पत्ते इसी के आकार के होते हैं। और दूसरा इसका नाम है लायरा, तो ये लायराटा नाम उसके वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। आप देखोगे तो उसका नीचे से उसका पत्ता नैरो होता है और ऊपर से आपको ये ब्रॉड नजर आएगा। तो दोस्तों, इस पौधे को ब्रिटिश रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी की तरफ से गार्डन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पौधे को डिजायर वर्ल्ड का इट प्लांट कहा है। एज अ इंडोर प्लांट अगर आप इसको घर में लगाते हो तो इसका हाइट जाएगा 6 फीट तक। और इसको आप ज्यादा हाइट पे लेके नहीं जाना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे बीच में से इसको यहां से एक कटर से आप कट लगा दीजिए,
तो यहां से उसका ब्रांच, नया ब्रांच निकलेगा। मेरे वहां भी ये 3.5 फीट तक है, पर यहाँ पे मेरे वहां भी मैंने यही किया है, ये 2 ब्रांच आया हुआ है यहाँ पे। तो इसके रख रखाव की बात करूं और लगाने की बात करूं, तो आप इसको एक अच्छे सी नर्सरी में से एक अच्छा पौधा, हेल्दी पौधा बाय कर लीजिए। ये थोड़ा कॉस्टली तो आएगा, मगर इतना सुंदर पौधा देख के आप जो भी पैसा बोलेंगे आप बाय कर पे कर दोगे। तो हमेशा रेशियो बताती हूँ, मिट्टी खाद पानी का वैसे ही आप ले लीजिए। पानी की बात करें तो इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसको ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है, इसको ज़्यादा खाद भी पसंद नहीं है। हाँ, इसको डेली आप मिस्ट कर सकते हैं, मिस्ट यानी सावर, आप इसको रोज सावर कर सकते हो, इसको सावर बहुत पसंद है। तो आप इसके जो लीफ है, मैं आपको नज़दीक से इसको बताने की कोशिश करूंगी। इस टाइप इसके लीफ होते हैं, नीचे से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है, और ठीक आते हो उसके पत्ते, बहुत गहरा हरा रंग है। दोस्तों, इसका सूखने का और मुरझाने का 3 कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये कि इसे आप ज़्यादा पानी दे रहे हो। सेकंड, कि इससे इनफ लाइट नहीं मिल रही है। और थर्ड, कि आप इस पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी या ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी आप दे रहे हो। तो अगर आप नर्सरी में जाओगे तो आपको एक अच्छा पौधा नर्सरी वाला निकाल के देगा, और आपके घर पे ये पौधा आप लेके आओगे तो हो सकता है ये मुरझाने लगेगा, वो थोड़ा पत्ते भी उसका गिर सकता है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसको जगह चेंज करना पसंद नहीं है, तो आपके घर के वातावरण में इसको सेट होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडोर प्लांट्स है तो इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्लांट से, कोई भी पौधा होगा तो दोस्तों उसको सनलाइट की आवश्यकता होती है। इंडोर प्लांट्स को आप ऐसी जगह पे रखिए कि जहां उसको सुबह की धूप मिल जाए। ये पौधे को भी ज़्यादा डायरेक्ट अगर आप धूप में रखोगे तो ये खराब हो सकता है। तो इसको ऐसी जगह पे आप रखिए कि जहाँ सुबह का धूप मिले, बालकनी हो या विंडो के पास उसको रखिए, तो ये पौधा अपने आप में एक बहुत यूनिक लुक क्रिएट करेगा। अगर कभी इसके पत्ते ऐसा सिकुड़ जाए, मैं बताती हूँ, मेरे वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि बीच में मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो मैं यहाँ पे नहीं थी, तो इस तरह से सिकुड़ जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, ये पौधे को कुछ नहीं होगा। आप चेक करिए कहीं इसको ज़्यादा पानी या तो इसको कम पानी तो नहीं मिल रहा है। ज़्यादा बड़ा गमला भी इसको नहीं चाहिए, ऐसे छोटे से गमले में आप लगा सकते हो।
तो दोस्तों, आप भी आपके घरों में ऐसे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाते रहिए। और आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ दोस्तों, और हाँ, एक हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि नेचर में रहिए, नेचर से जुड़े रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।